नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एंड्रॉयड 12 के बारे में। रिसेंटली अपना जो रेबनोट 7 है, रेबनोट 7 के लिए प्योर एंड्रॉयड 12 का जो ASP बिल्ड है रिलीज हो चुका है। एंड ऑफकोर्स ये जो बिल्ड है दोस्तों, पहला बिल्ड है, इसलिए आपको बहुत सारी दिक्कत हो सकती है, बहुत सारे बग्स आपको देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर जब किस तरह से आपने रेबनोट 7 के अंदर जो एंड्रॉयड 12 का जो USB बिल्ड है उसे किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि देख पा रहे हो, यहाँ पर हमने जो रेबनोट 7 है उसके अंदर ऑलरेडी जो एंड्रॉयड 12 का बिल्ड है, USB बिल्ड है, उसे ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। देख सकते हो यहाँ पर एंड्रॉयड 12 का जो स्टार्टिंग है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है। इससे पहले भी हमने एंड्रॉयड 12 का जो बीटा का वीडियो किया था, आप रेबनोट 7 का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके चेकआउट करके देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर मैं इस रॉम का रिव्यू शेयर नहीं करूंगा, सिर्फ इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना। सबसे पहले दोस्तों, ये जो बिल्ड है फास्ट बिल्ड है, इसलिए आपको कुछ बग देने को मिलेगा। तो आपको डेफिनेटली जो रॉम रिव्यू का वीडियो है उसे चेकआउट करना है, वरना आप इस रॉम को फ्लैश करने के बाद दिक्कत में बढ़ जाओगे। तो इस रॉम को फ्लैश करने से पहले मेक श्योर करना आपका जो बूटलोडर है वो अनलॉक होना चाहिए एंड आपके फोन के ऊपर कस्टम रिकवरी इंस्टॉल होना चाहिए। अब कस्टम रिकवरी के अंदर आप चाहो तो TW रिकवरी यूज कर सकते हो, अगर आप चाहो तो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी को भी यूज कर सकते हो, आपके ऊपर है आप कौन सा कस्टम रिकवरी को यूज करना चाहते हो। इस वीडियो के अंदर मैं ऑरेंज फॉक्स रिकवरी यूज कर रहा हूं, तो आप चाहो तो TW रिकवरी को भी यूज कर सकते हो। ऑलमोस्ट सेम जो प्रोसेस है वही आपको दिखना मतलब करना होगा। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो एंड्रॉयड 12 का ASP बिल्ड का रॉम है इसका लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जो लिंक आपको देने को मिलेगा उस लिंक में जाके इस रॉम को डाउनलोड कीजिए। एंड इस रॉम के अंदर आपको जो GApps है आपको अलग से फ्लैश करना होगा। किस तरह से एंड्रॉयड 12 का GApps को फ्लैश करते हैं इसके लिए अलग से वीडियो आएगा, बट इस रॉम के साथ आपको जो GApps है देने को नहीं मिलेगा। तो लगभग 800 MB के आसपास होगा इस फाइल को आपको डाउनलोड करना होगा अपने फोन के ऊपर। तो मेक श्योर अपना जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसका बैकअप ले लेना। तो आप एज वेल आपको जो स्क्रीन अनलॉक है उसे भी आपको रिमूव कर देना होगा, कोई भी स्क्रीन अनलॉक फिंगरप्रिंट जो भी है उसे रिमूव कर दीजिएगा। देन आपको जो है रिकवरी के अंदर बूट करना होगा। रिकवरी के अंदर बूट करने के लिए आप पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन को 5-6 सेकंड तक होल्ड करके रखना, उसके बाद आपका जो फोन है रिकवरी के अंदर बूट हो जाएगा कस्टम रिकवरी के अंदर। हम यहाँ पर मैजिक के थ्रू जो है रिकवरी के अंदर बूट कर लेते हैं जल्दी से। तो सिंपली यहाँ पर रिबूट में टैप करके रिबूट सिस्टम में टैप कर लेते हैं, हमारा जो फोन है ऑरेंज फॉक्स रिकवरी के अंदर बूट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो मैं स्टेप बोल रहा हूँ सेम स्टेप को आपको फॉलो करना होगा अपने TW रिकवरी के अंदर। सो सिंपली जो कस्टम रिकवरी आपने इंस्टॉल किया है अपने रेबनोट 7 के अंदर, उस रिकवरी को ओपन कीजिए, ऑन कीजिए, उसमें बूट कीजिए एंड देखिए सकते हो हमारा जो फोन यहाँ पर बूट हो रहा है एंड बूट होने देते हैं। एंड इस रॉम का जो रिव्यू है बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो उसके लिए आप वेट कर सकते हो एंड हमारे चैनल के ऊपर चेकआउट कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पर ऑरेंज फॉक्स रिकवरी लिखा चुका है एंड थोड़ा सा टाइम लगता है भाई साहब। देख सकते हो यहाँ पर हम जो है सक्सेसफुली ऑरेंज फॉक्स रिकवरी के अंदर आ चुके हैं। तो सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पर दो फाइल हमने ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है, हमारा जो रॉम है उसे हमने यहाँ पर ऑलरेडी डाउनलोड किया है। तो सबसे पहले आप चाहो तो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी में आके जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है, जो भी फाइल से सब कुछ का बैकअप ले लीजिए, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर अपना जो डेटा है दोस्तों वो डिलीट हो सकता है। तो मेक श्योर जितने भी इंपॉर्टेंट फाइल्स है, वीडियोस है, फोटोज है, गाना फाना जो भी चीज़ है सब कुछ का जो है बैकअप कर लीजिए, वरना आप दिक्कत में पड़ जाओगे। तो मेक श्योर बैकअप योर इंपॉर्टेंट डेटा। देन दोस्तों आपको बैकअप करने के बाद में आप चाहो तो उसे रीस्टोर भी कर सकते हो। तो बैकअप हो जाने के बाद आपको वाइप में जाना होगा, इंटरनल स्टोरेज को छोड़ के बाकी जितने भी ऑप्शन है डेलविक सिस्टम कैसे वेंडर सभी ऑप्शन को सिलेक्ट करो, बट इंटरनल स्टोरेज में टिक मत करना। उसके बाद सभी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद इंटरनल स्टोरेज को छोड़ के सभी ऑप्शन को टिक करके फ्लैश कर दीजिए। अपना जो डिवाइस है वाइप हो चुका है, वाइप होने के बाद आपको जो है रॉम को फ्लैश करना होगा। बहुत इजी प्रोसेस है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर रॉम को फ्लैश कर देना होगा। देख सकते हो यहाँ पर स्वाइप करके फ्लैश कर दीजिए इंस्टॉल में जाके, एंड यहाँ पर हमारा जो रॉम है फ्लैश होना स्टार्ट हो चुका है। एंड यहाँ पर फ्लैशिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लगभग आपका 5 मिनट के आसपास जो आपका जो रॉम है बूट हो जाएगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आपका जो रॉम है पहला बूट मतलब बहुत टाइम ले रहा है, बूट नहीं हो रहा है, बूट नहीं हो रहा है, तो एक चीज़ कीजिए, आप फोन को जो है हार्ड रीस्टार्ट कीजिए। हार्ड रीस्टार्ट किस तरह से करते हैं, अपना जो पावर बटन है उसे होल्ड करके रखिए 5-6 सेकंड एंड अपना जो रॉम है ऑटोमेटिकली बूट हो जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो फ्लैशिंग है सक्सेसफुल हो चुका है। रिबूट सिस्टम में टैप करते हैं, उसके बाद आपका जो फोन है स्टार्ट होना मतलब बूट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपको मैंने बोला, अगर आपका जो फोन है पहला मतलब फास्ट बूट में बहुत टाइम ले रहा है तो हार्ड रीसेट कर लेना, तो आपको जो है अपना जो फोन है जल्दी से बूट हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर देख सकते हो POSP का जो लोगो है आ चुका है। ये जो हमें दोस्तों POSP वाला बिल्ड है एंड्रॉयड 12 के साथ, तो आपको जो एंड्रॉयड
ओबेट सोर्स के अंदर जो जो फीचर्स है वो सबको आपको देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर आपको कोई भी गूगल का प्ले स्टोर देखने को नहीं मिलता है, तो आपको अलग से जो गूगल का प्ले स्टोर है उसे आपको यहाँ पर इस रॉम के अंदर इंस्टॉल करना होगा, वरना आप इस रॉम को बेकार कोई भी काम में यूज़ नहीं कर पाओगे। तो किस तरह से जी एप्स को इंस्टॉल करते हैं इसके लिए अलग से वीडियो आएगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेट कर देना है, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। एंड इस रॉम के अंदर क्या क्या बग्स है, क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या ऑप्शंस को यहाँ पर नहीं डाला गया है, सब कुछ के बारे में बात करने वाला हूँ हमारे रिव्यू वीडियो के अंदर। तो रिव्यू वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर से देखते रहिएगा। एंड आपको रेवन नोट 7 के लिए और भी ज़्यादा वीडियोस देखना है तो रेवन नोट 7 का जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर चेकआउट करके देख सकते हो। वंस अगेन इस रॉम का जो डाउनलोड लिंक है आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाकर आप इस रॉम को चेकआउट करके देखिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। हमारा जो सेकंड चैनल है उसे भी चेकआउट कर सकते हो, उसके अंदर आपको गेमिंग के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।